बीते रविवार को सुभाषपा की महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में ये मामला गर्मा गया। अब जहां एक तरफ इस मामले को लेकर राजनीति तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर के घर और परिवारजनों से मिलने पहुंचे। संत कबीर नगर के डिगा गांव में पहुंचकर ओम प्रकाश राजभर ने परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान वहां पर तमाम परिवार के लोग मौजूद रहे। बता दें कि बीते रविवार को दिन दहाड़े सुभाषपा नेता की हत्या कर दी गई थी, जहां पर इसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद मामले की सूचना परिवार वालों ने पुलिस को दी। इस पूरी हत्याकांड के पीछे कहानी बताई गई, वो थी जमीनी विवाद की। जमीनी विवाद जिसमें स्थानीय भूमाफियाओं ने नंदिनी राजभर के चचिया ससुर बाल कृष्ण की जमीन बिना पूरे पैसे दिए रजिस्ट्री करवा ली थी। इसके चलते 29 फरवरी को बाल कृष्ण ने अपनी जान दे दी थी। बता दें कि नंदिनी राजभर अपने चचिया ससुर की मौत के बाद इस मामले को लेकर भूमाफिया श्रवण यादव, ध्रुवचंद यादव और पन्नेलाल यादव के खिलाफ पैरवी कर रही थी। नंदिनी इस पूरे मामले में धोखाधड़ी, धमकी और पैसा नहीं देने के मामले में तीनों आरोपियों का मुकाबला कर रही थी। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी पन्नेलाल यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, लेकिन इस बीच 10 मार्च को नंदिनी राजभर की दिन दहाड़े घर से हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 आरोपियों में से 3 को अब तक पकड़ लिया गया है और उन 3 आरोपियों के नाम आनंद यादव, ध्रुवचंद यादव और एक महिला शामिल है। वहीं इस पूरे मामले के पीछे की कहानी का दावा किया जा रहा है कि यादव आरोपियों ने बालकृष्ण को शराब के नशे में उसकी सड़क किनारे कीमती जमीन जो थी वो रजिस्ट्री करवा ली थी, वो भी बिना पूरे पैसे दिए। रजिस्ट्री होने के बाद भी आरोपी बाकी रकम नहीं दे रहे थे। इस बीच जब बालकृष्ण की मौत हो गई तो नंदिनी राजभर उसका विरोध कर रही थी और उन्होंने अपने चचिया ससुर की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और कोर्ट कचहरी में पैरवी शुरू कर दी थी। इसके चलते अब आरोप लगाया जा रहा है कि यही कारण था कि जिसके बाद नंदिनी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कहेगी और ओम प्रकाश राजभर के यहाँ पहुँचने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी, वो यूपी तक आपको जरूर बताएगा। संत कबीर नगर से आलमगीर की रिपोर्ट, यूपी तक।